जी हाँ, केंद्र सरकार के ऐतिहासिक ऐलान पर अब कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में 2,32,396 रुपए हो गए हैं जमा। नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशन भोगी भूतपूर्व जवानों का स्वागत है। अब कितने भविष्यवाणी यूट्यूब चैनल में इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए 3 बड़े तोहफों का ऐलान। जानिए सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही चैनल आपको विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से सही सटीक तथ्यों पर आधारित खबरें दिखाता है। तो चलिए ऐसे में देरी न करते हुए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। एक बार फिर सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो चुका है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के मौजूदा महंगाई भत्ते महंगाई राहत में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा महंगाई भत्ता महंगाई राहत का आंकड़ा 42% को पार कर 44.51% जा पहुँचा है। अभी 3 महीने का डाटा एड किया जाना बाकी है, जिसके बाद 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता महंगाई राहत माना जा रहा है 47% होना के क्रम है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों की सालाना सैलरी पेंशन में 25 से 30 हजार रुपए के बीच का इजाफा देखने को मिलेगा। वही अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। उन पेंशन भोगियों में निकल कर सामने आई है जो 30 जून को रिटायर होंगे, उन्हें 1 जुलाई से लगने वाले इंक्रीमेंट में लाभ भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके रिगार्डिंग आदेश जारी कर दिए हैं। वही अगली बड़ी अपडेट की बात कर तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करने वाली है। मीडिया खबरों में दावा है कि केंद्र सरकार आपके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.50% पर बहाल करेगी, जिसके चलते कर्मचारियों का बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़कर 24,000 रुपए पहुंच जाएगा। मासिक बेसिक में 6,000 बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। वही दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अकाउंट एरियर का भी ऐलान कर सकती है, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में 2,32,000 रुपए की राशि जमा की जा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी और कर्मचारी संगठन लंबे समय से सरकार से 18वां एरियर की मांग कर रहे थे, अब जाकर खुशखबरी मिलेगी।